नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल शहीद मदन लाल ढींगड़ा प्रथम क्रांतिकारी शहीद, जिसे अंग्रेजों के क्रूर शासन में 25 साल की उम्र में ही विदेशों में फांसी दे दी गई। आप कह सकते हैं कि वो वीर जवान शहीद मदन लाल ढींगड़ा, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने आप को देश पर न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उनके पिता अंग्रेजी हुकूमत को मानते थे, वे अंग्रेजी हुकूमत के सहयोगी थे। लेकिन इस वीर ने क्रांति का डंका अंग्रेजों के खिलाफ बजाया। वो एक ऐसा क्रांतिकारी शहीद था जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये लड़ाई का अभियान सबसे पहले शुरू किया। अंग्रेजी अदालतों में अपना केस चलने के दौरान किसी अंग्रेजी वकील को भी अपने फेवर में खड़ा नहीं किया। भारत माता के ऐसे सपूत को पलपल टीम की ओर से भी सत सत नमन। दोस्तों, आज शहीद मदनलाल ढींगड़ा का शहीदी दिवस सिरसा के मदनलाल ढींगड़ा चौक पर श्रद्धापूर्वक ढंग से मनाया गया। नागरिक परिषद सिरसा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सिरसा के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिनमें समाज सेवी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण बागला, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व चेयरमैन श्रीमती रेणु शर्मा, श्री गुरुदेव सिंह राही, नागरिक परिषद के सचिव सुरेंद्र भाटिया व बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रमेश मेहता तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष अमन चोपड़ा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्याम बजाज तथा समाज सेवी चरणदास मेहता, गुरु नानक देव चैरिटेबल ट्रस्ट के सुरेंद्र सिंह वैदवाला तथा अनेक नगर पार्षद व सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि नागरिक परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहीद मदनलाल ढींगड़ा अमर रहे के नारों से जैसे आसमान गूंज उठा हो। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं और शहर के गणमान्य लोगों में खूब जोश देखने को मिला। शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद मदनलाल ढींगड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आप देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। आज नागरिक परिषद सिरसा द्वारा सिरसा के मदनलाल ढींगड़ा चौक में शहीद मदनलाल ढींगड़ा को श्रद्धांजलि दी गई। जैसा कि पूरा देश जानता है, 1 जुलाई 1909 को शहीद मदनलाल ढींगड़ा ने एक अंग्रेज कर्नल वाइली को लंदन में जाकर अपनी गोलियों से उसको छलनी कर दिया था और अंग्रेज सरकार ने केवल 23 दिन तक उसका मुकदमा चलाकर एक तरफा उसको 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दी गई। पूरा देश मदनलाल ढींगड़ा की शहीदी पर उन्हें नमन करता है और नागरिक परिषद सिरसा हर वर्ष की तरह आज भी यहाँ पे मदनलाल ढींगड़ा की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए सिरसा के प्रमुख नागरिक आए हैं और हम आज उनको श्रद्धांजलि दें। 17 अगस्त है, ये शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मिटने वालों का आखिरी निशान होगा। कबीर साहब कहते हैं, जननी जने तो भगत जन के दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवावे नू। आज ऐसे शहीद जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए फांसियों के कंधे को चूमा और ऐसी कुर्बानी को हम शत शत नमन कर रहे हैं। सबसे कम उम्र के शहीद हुए हैं और इससे बड़ी बात यह है कि इनकी बैकग्राउंड, जो इनके पिता थे वो अंग्रेजों के साथ कट्टर समर्थक थे और एक बच्चा उस फैमिली के बैकग्राउंड से बाहर आकर के कुर्बानी देना, ये बड़ी सब विशेष बात है। हम ऐसे यंग हमारे जो शहीद हुए हैं उनको हम सत सत नमन करते हैं और मदनलाल ढींगड़ा जी को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी 25 वर्ष की युवा आयु में जो शहादत देश के लिए दी, हम सभी युवा उनको नमन करते हैं। और उन्होंने एक ब्रिटिश अफसर को गोली मारी थी और उनका उसमें कहना था, ये अवमाननीय शासन, अंग्रेजी शासन में मेरी देश के प्रति आहुति है एवं हमें सभी देशवासियों को अपने महापुरुषों के बलिदान को याद रखना चाहिए और उनके पदों का अनुसरण करते हुए देश हित में ही कार्य करने चाहिए।
यही मेरा आज उनके लिए और सब के लिए। और उस अदालत में इस शहीद ने कहा कि मुझे गर्व है, मैं अपने देश पर अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ। ऐसे शहीदी दिवस पर उन्हें आकाश मात्र नमन करना चाहता हूँ, आकाश छोटा है नमन करने के लिए। आज सम्मानित परिषद यहाँ पहुँचा और बहुत खुशी का मामला है कि पूरे राजनीतिक दल, पूरे धार्मिक संस्थान एक स्तर पे आकर के उन्हें शहीदी का नमन कर रहे हैं। ढिंगरा जी को आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। मदनलाल जी ढिंगरा, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी और हमारे देश के लिए आज हम जो जिंदा है, आज हम जो सांस ले रहे हैं, मदनलाल जी ढिंगरा जैसे शहीदों के कुर्बानियों के कारण आज हम जो है सही में सांस ले रहे हैं। नहीं तो आज हमारा पता नहीं, हम आज हिंदुस्तानियों का पता नहीं क्या होता, हम पता नहीं कहाँ होते। और इन लोगों ने श्रद्धांजलि दी और सब आज भारतवासियों के आंखों में उनके लिए श्रद्धा श्रद्धा है। और हम सब लोग जो हिंदुस्तानी हैं, आज सब के सब जो है उनके लिए हम ढिंगरा जी का शहीदी दिवस, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु सभी साथियों के सहित आज शहीदी दिवस पर दिल्ली पुल पर शहीदी स्मारक मदनलाल ढिंगरा जी के फूलार्पण और मालार्पण करके बड़े भाई अमन चोपड़ा जी के साथ सभी साथियों ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की। और देश के हित के लिए आज़ादी के समय से पहले की जो देखा जाता है कि एक ऐसे युवा जो समाज को लेकर और अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना जो दिल में रखते हुए, जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर अध्ययन कर रहे थे, फिर उस अध्ययन के दौरान अपने राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने गलत सुनना नहीं अपने करा और वहाँ के जो अंग्रेज को अपने गोली से मारा और वहाँ पर शहीद हुए। तो ऐसे शहीदों को हम श्रद्धांजलि देते हैं, अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। सभी युवा साथियों ने मिलजुल कर संजोग किया। शहीद मदनलाल ढिंगरा अमर है, शहीद मदनलाल ढिंगरा अमर है, शहीद मदनलाल ढिंगरा अमर है, देशभक्ति कुर्बानी अमर रहे, अमर रहे भारत माता की। अमन भैया, अमन भैया, अमन भैया, आज का टाइम तो है।